हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जो मार्केट ने आज का बिहेवियर रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केवल निफ्टी फिफ्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, केईआई इंडस्ट्री और पॉलीकैब। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है, टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की है। उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नए वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों, निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट ओपन हुआ था लगभग 17560 के लगभग, और फिर एक रेंज बाउंड एरिया में। तो रेंज बाउंड एरिया क्या था, देखो, रेंज बाउंड एरिया में इसमें एक पैटर्न बनाया था। ये पैटर्न था, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था। ये देखिए, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था। ट्रेंगल पैटर्न को दो बार उसने रेजिस्टेंस लिया। देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में यहाँ ब्रेकडाउन किया, तो ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। तो देखिए दोस्तों, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता है तो फिबोनिक रिट्रेसमेंट से आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से ये हमने फिबोनिक रिट्रेसमेंट लगाया है। फिबोनिक रिट्रेसमेंट का आपको 5 दिन का जो टॉप और बॉटम होता है उसको मिला देना है, और उससे थ्रू आप लेवल निकाल सकते हो, आप खुद भी लेवल निकाल सकते हो। इसमें देखिए, मार्केट यहीं लगभग, मार्केट ने यहाँ जो 38% की रिट्रेसमेंट थी वहीं लगभग उसने टॉप लगा के और फिर ब्रेकडाउन हो गया, और इसी रेंज में ब्रेकडाउन होने के बाद में ब्रेकडाउन किस जगह हुआ, जो ये ट्रेंगल पैटर्न बना था, ट्रेंगल पैटर्न का और 38% का रिट्रेसमेंट यही था, उसको ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट कौन सा लिया, ये देखिए, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सपोर्ट लिया इसका 38% का, 23% का रिट्रेसमेंट था, वही सपोर्ट लिया इसने। और सपोर्ट लेने के बाद में क्या बनाया, देखिए, एक कैंडल पैटर्न बनाया यहाँ पर। मैं पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ, पैटर्न कौन सा बनाया, पैटर्न ये देखिए, यहाँ पर पैटर्न बन रहा है दोस्तों, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, इसको सैंडविच बोला जाता है। अगर ये सैंडविच की तरह अगर पेयर में हो जाता है रेड ग्रीन, तो उसको वहां से ट्रेंड रिवर्सिंग पैटर्न बनता है। उससे पहले ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड के बाद में एक पैटर्न आपको ट्रेंड दिखाई देगा। तो इस सैंडविच रेड ग्रीन इसको सैंडविच के बाद में यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, कहाँ, 17550 के लगभग, और उसके बाद में एक आप मूवमेंट देख सकते हो। और वो मूवमेंट कहां पर, ये देखिए, आपको 50% की रिट्रेसमेंट है, 50% की रिट्रेसमेंट 17660 के मान लीजिए, यहां तक आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। इसको जो 38% का रिट्रेसमेंट था उसको भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कर दिया इसने। अब कल की तरह अपन डिस्कस करेंगे कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आज मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ की है, 17610 के लगभग की है। तो 17610 आज सपोर्ट लिए, जो रेजिस्टेंस मिला इसको, जो एक ये लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज की है, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्ट ले रहा है बार बार, वहाँ 200 डेली का 200 मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट ले रहा है। तो अगर कल इसको ब्रेकआउट कर दे 17650 के लगभग, 50 के या 60 मान लीजिए, 60 मान लीजिए, 17660 इसको ब्रेकआउट कर दे तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। जो टारगेट आप देख सकते हो कि 17730 के बाद में अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो उसके बाद में ये जो पहले देखिए, यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस भी मिला 17830 के लगभग, ये आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें, तो देखिए, ये रेजिस्टेंस है मिला हुआ 17590 या 80 मान लीजिए, ठीक है, 80 मान लीजिए, 19 के बाद में ये 80s मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये दो सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पर। तो 17580 या 85 के अगर ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद में 17500 का आपको दिखाई देगा टारगेट, और बाद में 400 के लगभग टारगेट आ सकता है। जो यहाँ पर देखिए 17500 हमने कैसे डिसाइड किया, जो आज सपोर्ट लिया था वो, और यहाँ पर 38% की रिट्रेसमेंट भी आ रही है, ठीक है, इस तरह से 17500 के लगभग आ सकता है, और उसको अगर ब्रेकडाउन किया तो फिर बाद में जो पहले का रिट्रेसमेंट 17350 के लगभग मान लीजिए, वो आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि आज उसमें कोई पैटर्न बनाया गया, जैसे अलग अलग टाइम फ्रेम में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से मूवमेंट किया है। ये दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये मूविंग एवरेज है, ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। हमने पहले भी फ्राइडे को डिस्कस किया था कि इसने पहले यहाँ सपोर्ट लिया था, ठीक है, अगर इसको ब्रेकडाउन कर दिया दोस्तों, ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी अगर देखिए, फिबोनिक रिट्रेसमेंट से आप देख सकते हो कि इसको
अगर 61% को यहीं लगभग सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाद में 78% के रिट्रेसमेंट के लगभग आ सकता है, जिसका टारगेट 17,200 के लगभग है। और यहाँ मेजर सपोर्ट ले रहा है, इसे रिवर्स भी कर सकता है, रिवर्स करेगा तो इसमें जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पहले जो सपोर्ट बना हुआ था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा लगभग 17,900 के लगभग, 850-870 के लगभग मान सकते हो। तो ये मेजर सपोर्ट है, मेजर ये अगर सपोर्ट टूट गया तो फिर बाद में ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब देखिए दूसरा टाइम फ्रेम देखते हैं अपन कि आज जो मूवमेंट हुआ है उसमें कुछ दिखाई दिया है। ये देखिए ये दोस्तों एक यहाँ पर जो ये ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद में एक यहाँ पर हैमर बना है, ठीक है। हैमर बनने के बाद अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बन जाती है, अपन जो टारगेट 17,660 अगर टारगेट दिखाई ब्रेकआउट करेगा तो देखिए यहाँ पर 17,660 का ये लेवल है। इस जो हैमर बनाया है उसके ग्रीन कैंडल है, इसको ब्रेकआउट करेगा तब ये अच्छे मूवमेंट दिखाई देगा, वहीं अपने 38% के रिट्रेसमेंट भी हो रही है। दूसरा टाइम फ्रेम की बात करें अपन डेली 60 मिनट का देख लेते हैं। 60 मिनट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक हैमर बनाया, आज हैमर के बनाने के बाद में ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल बाद में ये जो 3-4 कैंडल है दिखाई दे रही है इसकी शेडो है, उसको ब्रेकआउट करते ही अच्छा मूवमेंट आपको बाउंस दिखाई देगा। और इसमें दोस्तों एक पैटर्न भी बन रहा है, पैटर्न की बात करें तो देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए तो यहाँ पर एक डबल पैटर्न बन रहा है। ये देखिए डबल बॉटम यहाँ बनाया था, दो बार टेस्ट किया डबल के बाद में, अगर इसको 17,600 इसमें दिखा दे रहा है, मतलब 17,640 के लगभग है, लेकिन अगर आपने जो इस दो बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिला है तो वहां से ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा आपको 200 मूविंग एवरेज के लगभग 17,050 के लगभग भी आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट कल मूवमेंट कर सकता है। जो डब्लू पैटर्न है, डब्लू देखिए यहाँ पर दो बार सपोर्ट लिया है तो इसको डब्लू पैटर्न भी बन सकता है, अगर यहाँ से रिवर्स कर सकता है तो बाद में ये ट्रिपल बॉटम हो जाएगा और फिर बाद में नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह दोस्तों स्टॉक में ये इंडेक्स में आप रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।